बच्चों, जैसे किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए श्वसन आवश्यक है, वैसे इन पेड़ पौधों के लिए भी श्वसन आवश्यक है। लेकिन श्वसन के अलावा इन पेड़ पौधों में एक और क्रिया होती है, वो भी केवल दिन के समय में। और इस क्रिया के दौरान ये पेड़ पौधे कुछ भोज्य पदार्थ और गैस का निर्माण करते हैं। तो भोज्य पदार्थ और गैस के निर्माण के लिए इन पेड़ पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, चलिए इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं और ये भी पता करेंगे कि इस क्रिया के दौरान कौन सी गैस का निर्माण हो रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ आवश्यक सामग्री लगेगी, जैसे कि बीकर, कीप, पानी, हाइड्रिला का पौधा, एक परख नली। हाइड्रिला के पौधे की जगह आप कोई अन्य जलीय पौधा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस बीकर को पानी से भर देंगे। अब इस कीप में हमें इस हाइड्रिला पौधे को फंसाना है। तो इस तरीके से हम हाइड्रिला पौधे को फंसाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पौधे की जो टिप है वो इस कीप की नली में हम घुसाएंगे। अब इस कीप को हम इस पानी से भरे बीकर में इस प्रकार से डाल देंगे। अब हमें ये जो परख नली है इसे भी पानी से भरना है। और पानी से भरने के बाद इस परख नली को कीप की नली के ऊपर उल्टा इस प्रकार से हम रखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो पानी का लेवल है अभी यहाँ तक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम एक निशान बना लेंगे। तो इस प्रकार से हमने एक उपकरण सेट कर लिया है। एक और उपकरण हम इसी प्रकार से सेट करेंगे, क्योंकि एक उपकरण को हमें धूप में रखना है और दूसरे उपकरण को हमें छांव में रखना है। तो जिस उपकरण को हम छांव में रखेंगे उसे काले कपड़े से या काले कागज से ढक कर रख देंगे। चलिए इसे हम धूप में रखते हैं। तो चलिए बच्चों, लगभग 5.5 घंटा हो चुका है। अब इन दोनों उपकरण का हम अवलोकन करते हैं। ये वो उपकरण है जिसे हमने धूप में रखा था और इस उपकरण को हमने अंधेरे में रखा था। जब इस उपकरण को हमने धूप में रखा था तो पानी का जो लेवल था इस निशान तक था, जो अभी नीचे आ चुका है। इसका मतलब परख नली की इतनी पूरी जगह गैस ने ले ली, मतलब यहाँ पर गैस एकत्रित हो गई। और अगर हम इस उपकरण की बात करें तो इस उपकरण में परख नली में जो पानी का लेवल है अभी भी उतना ही है। तो यहाँ पर कौन सी गैस एकत्रित हुई है, चलिए इसका पता करते हैं। इसके लिए हमें अगरबत्ती और माचिस की आवश्यकता होगी। हम अगरबत्ती को जलाएंगे और इसको इस परख नली के मुंह के पास ले जाएंगे। तो हम देखेंगे कि अगरबत्ती तेज़ी से जल उठेगी। चलिए हम इसे करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे उपकरण को हम एक पानी से भरी बाल्टी में रखेंगे और धीरे से ये परख नली को बाहर निकालेंगे, ताकि परख नली के अंदर जो गैस है वो बाहर न निकल जाए।
इस प्रकार हमने इस परख नली को बाहर निकाल लिया और परख नली के मुंह को अंगूठे से बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो गैस बन रही है वो बाहर ना निकल जाए। चलिए, कौन सी गैस बन रही है इसके लिए हम इसके मुंह के पास जलते हुए अगरबत्ती ले चलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगरबत्ती की लौ की जो चमक है वो तेज़ होती है। तो अगरबत्ती की लौ की चमक तेज होती है, मतलब यहाँ पर कौन सी गैस बन रही है? यहाँ पर ऐसी गैस बन रही है जो जलने में सहायक है। तो वो कौन सी गैस है बच्चों? बिल्कुल सही, वो ऑक्सीजन गैस है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रिला पौधे ने धूप से ऊर्जा प्राप्त की और इसी प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग कर पौधे के द्वारा कुछ भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ। जब किसी भी सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है तो इस क्रिया को हम संश्लेषण कहते हैं। क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हुई है, इसलिए हम इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।